जंगलात कुदरत की तरफ से एक अनमोल तोहफा है, जिससे हमारा आब हवा पाक और मुनाजा रहता है। खुदा का ये अनमोल नजारा दुनिया के चौथे हिस्से पर फैला हुआ है। अगर वादी कश्मीर की बात करें तो यहाँ 20,194 मरबा किलोमीटर जंगलाती जमीन पाई जाती है, जिसमें तकरीबन 48% ज्योग्राफिकल एरिया, 55% फॉरेस्ट एंड ट्रीज और 43% ओपन फॉरेस्ट एरिया शामिल है। वादी के इन हसीन जंगलों में मुख्तलिफ तरह के जंगली जानवरों ने अपनी पनाहगाहें बना रखी हैं, जिनमें शामिल हैं हांगुल, मारखोर, कश्मीर मस्क डियर, टिबेटन गैजिल, स्नो लेपर्ड और हिमालयन टहर। इनके अलावा कई तरह के मखलूक इन जंगलों में अपना ठिकाना बनाए बैठे हैं। इनकी हिफाजत के लिए वादी के कई सेहत अफजा मुकामातों में तकरीबन 9 बेहतरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को अमल में लाया गया है, जिनमें कुछ नाम ऐसे हैं: गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, होकरसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और अचबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। काबिले जिक्र की बात यह है कि नीति आयोग ने अपने स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि जम्मू व कश्मीर में जंगलाती जमीन पर 95 टन कार्बन का जखीरा पाया जाता है। कुदरत के इस अनमोल तस्वीर को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत ने साल 2022 और 23 के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर केपेक्स के तहत जंगलात और माहौलियाती शोबे के लिए तकरीबन 200 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं, जो पिछले साल के बजट से करीबन 9 करोड़ रुपए ज्यादा हैं। इसके अलावा वादी को सरसब्ज बनाने के लिए 1,35,00,000 पौधे लगाने का हदफ रखा गया है, जिसमें से 26,50,000 पौधे यहाँ के पंचायत प्लांटेशन कमिटीज की शामिलियत में लगाए जाएंगे। इसके अलावा 50,00,000 से ज्यादा बीज लगाने का मंसूबा रखा गया है। ये सच है कि जंगलात माशरे के अहम वसाइलों में से एक हैं, जिनकी वजह से हमारी जमीन जरखीज होती है और मौसम खुशगवार होता है। हमारा ये अहद रहे कि हम अपनी वादी के जंगलातों की हिफाजत करें और इन्हें कटने से बचाएं।